जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम रीजन कंजंक्शन डिस्कस किए कि उसमें कंजंक्शन और प्रेपोजिशन की हमारा एग्जामिनर मिस्टेक्स बना के देगा, कौन से वर्ड्स कंजंक्शन है आपको मालूम होना चाहिए, कौन से प्रेपोजिशंस हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर और एज। नेक्स्ट हमारे पास आने कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास वंस अगेन दो ग्रुप्स बनेंगे जैसे हमने अभी बनाए थे। एक हमारे पास कंजंक्शन बनेगा, एक हमारे पास प्रेपोजिशन बनेगा। हमारे पास ये दो कैटेगरीज अब साथ साथ चलेंगी। ऑलमोस्ट हर कंजंक्शन कैटेगरी के साथ ये दोनों चलेंगी और यही दोनों कैटेगरीज ही एग्जामिनर की इंटरेस्ट का बायस बनती हैं। कंजंक्शंस में हमारे पास वी हैव ऑल्दो, जैसे कि हमारे पास पहले लिस्ट में मौजूद हैं, हमने पढ़ रखे हुए हैं। वी हैव दो, वी हैव व्हाइल एंड वी हैव वेयर एज। इसके मुकाबले में प्रेपोजिशंस में हमारे पास वी हैव डिस्पाइट, वी हैव इन स्पाइट ऑफ, वी हैव इंस्टेड ऑफ। इनमें भी ओवरलैपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम इंशाल्लाह इसको अभी देखते हैं। पहले इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में हम कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का पहले इसका यूज़ देखेंगे, पहले इस ओवरलैपिंग मिस्टेक को ओवरकम करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट इसके इटसेल्फ कंजंक्शंस का फ़र्क नोट करेंगे। तो इसमें हमारे पास अगर सेंटेंस आ जाए डिस्पाइट ऑफ, और आ जाए इन स्पाइट ऑफ, और आ जाए हमारे पास ऑल्दो, हिज ओल्ड एज ही लुक्ड यंग। इसमें हमने बोला कंजंक्शन के बाद क्लॉज, प्रेपोजिशन के बाद फ्रेज, नाउन आर नाउन फ्रेज, सो वी हैव अ नाउन फ्रेज, वी शुड नॉट पिक ऑल्दो। देखना यह है कि ये दोनों डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों प्रेपोजिशंस हैं। ओवरलैपिंग मिस्टेक ये है, डिस्पाइट डज नॉट टेक दिस प्रेपोजिशन ऑफ, सो द ऑप्शन इज कट, वी हैव इन स्पाइट ऑफ एज अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वी कैन हैव द डिफरेंस बिटवीन द कंजंक्शंस स्पेशली ऑल्दो एंड दो, दे हैव द सेम मीनिंग बट सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली, फंक्शनली दे कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ क्लॉज, ऑल्दो को ऑलवेज ऑलवेज एक क्लॉज रिक्वायर्ड होगी। इट मीन्स ऑल्दो क्लॉज से पहले आएगा, जबकि दो की नेचर है कि दो से पहले हमारे पास एडजेक्टिव हो सकता है, दो से पहले हमारे पास एडवर्ब हो सकता है, इवन दो के बाद हमारे पास कोई भी पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव आ सकता है, जबकि ये फंक्शन ऑल्दो नहीं करता। ऑल्दो एंड दो दोनों कंजंक्शंस हैं, दोनों के बाद क्लॉज आ सकती है, लेकिन ऑल्दो में और दो में डिफरेंस
आपके सामने वाज़े है और वो कुछ यूं है कि आल्दो ऑलवेज सेंटेंस को स्टार्ट करेगा, जबकि दो ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस के स्टार्ट में हो, दो से पहले हमारे पास एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई भी वर्ड लग सकता है। ऐसे ही आल्दो के बाद पूरी क्लॉज यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, जबकि दो के बाद हमारे पास नॉर्मली पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स में से कोई वर्ड आ सकता है, इवन दो के बाद हमारे पास क्लॉज भी हो सकती है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं थर्स्टी, आल्दो आर दो He didn't lose heart. देखना यह है हम क्या पिक करेंगे। हमने बोला था आल्दो क्लॉज का स्टार्टर है, सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा। अगर कभी पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसके बाद इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से हमें कुछ चुनना पड़े तो हम आल्दो की बजाय हम दो का वर्ड चुनना तरजीह देंगे जी। So this is the difference between aldo and though, and this is the use of conjunction and preposition of contrast base. Now we have comparison, conjunction of comparison. Normally in comparison we have two conjunctions, they are than and as, than and as, and we have two prepositions like and dissimilarity show karne ke liye we have unlike. These two are prepositions. The first two are conjunctions. Agar ye conjunctions hain to inke baad hame chahiye clause. अगर ये प्रेपोजिशंस हैं तो इनके बाद हमें चाहिए नाउन और नाउन फ्रेज। एग्जांपल हम लिखते हैं डार्क देवर इन गोल्डन लाइट से हमारे पास एग्जांपल है, हैरी लुक्ड वंडरफुली लाइक आर एज हिज एल्डेस्ट सन। देखना है कि इसके बाद हमारे पास क्या है। वी हैव अ नाउन फ्रेज हियर, देयर इज नो क्लॉज, एंड इफ वी हैव अ नाउन फ्रेज